हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माय सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर, हाउ टू स्कोर 90+ इन सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन अकाउंट्स। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन का पहला पेपर दैट इज अकाउंटिंग, उसमें 90+ मार्क्स किस हिसाब से लाए जाएं। देखिए सर, ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रुप निकालने में अकाउंट्स का पेपर बहुत ज्यादा मदद करता है, और ग्रुप टू की अगर मैं बात करूं तो उसमें एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके 90-90+ मार्क्स आ जाए तो सर बड़ी आराम से आप पास हो सकते हैं। लेकिन 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एंड बहुत ही अच्छी आपको प्रैक्टिस चाहिए इन पेपर में। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से हम इन पेपर्स में 90+ स्कोर कर सकते हैं। इवन चाहे आप कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो तो आप उसमें भी ये टेक्निक्स लगा सकते हैं। भले मैं कॉस्टिंग का टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, वैसे कॉस्टिंग भी प्रैक्टिकल है, एफएम भी प्रैक्टिकल है, एडवांस अकाउंट्स भी प्रैक्टिकल है। तो आप इन चारों पेपर में टेक्निक्स लगा सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाऊंगा, टॉपिक्स पे भी आऊंगा, तो उनके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहली चीज सर, आपको अपने दिमाग में ये पॉइंट रखना है कि सर, इट इज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जो हमारा अकाउंटिंग का पेपर होता है, ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है टू क्लियर द ग्रुप। अगर आपको ग्रुप ग्रुप क्लियर करना है तो सर अकाउंट्स का पेपर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और अगर आप अच्छे तरीके से इसमें मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली इसमें 90+ मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चाहिए क्या आपको? पहली चीज तो सर आपको चाहिए कंसिस्टेंट स्टडी। कंसिस्टेंट स्टडी इज रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंट मीन्स सर आपको कंटिन्यूअसली इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने अपने कोचिंग के टाइम पे पढ़ा, फिर आपने लंबा गैप दे दिया, फिर दोबारा आप उठा रहे, तो सर दिक्कत आती है। अगर आप कंटिन्यूअस है इस सब्जेक्ट को लेकर, कंटिन्यूअस कोचिंग के टाइम पे पढ़ा, उसके बाद आपने फिर जैसी कोचिंग ओवर हुई, थोड़े से 2-4 दिन बाद फिर आपने इस सब्जेक्ट उठा लिया, तो इसको कंटिन्यूअस 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 आप अगर आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो आप इजिली इसमें स्कोर कर जाएंगे। सर 90+ स्कोर करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। इवन कोई भी प्रैक्टिकल पेपर हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, एफएम हो, एडवांस अकाउंट्स हो या अकाउंट्स हो, आपको अगर इन प्रैक्टिकल पेपर्स में 90+ स्कोर करना है तो यू नीड एटलीस्ट 3 रिविजन्स। 3 से ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सर 3 रिविजन्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो 3 रिविजन किस हिसाब से हो सकती है सर? पहली चीज तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू वॉच दिस वीडियो। ये एक परफेक्ट टाइम है जिस टाइम पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। अब मई 20 की अगर मैं बात करूं तो सर मई 20 के एग्जाम्स में हमारे पास रह गए 3 महीने, फेब मार्च एंड अप्रैल। फेब का देखिए वैसे तो 1 वीक जा चुका है, लेकिन फिर भी फेब का है, मार्च का है, अप्रैल का, 3 महीने आपके पास बचे हैं। और अगर आप 3 महीने में जी जान से मेहनत कर देंगे तो सर आप ग्रुप निकाल लेंगे आसानी से। और अगर इस पेपर में आप डेडिकेशन दे देंगे, अच्छे से मेहनत कर लेंगे, तो आप 90+ भी इस पेपर में स्कोर कर जाएंगे। 3 रिविजन 3 महीने में हो सकती है। पहली चीज तो ये दिमाग में रख लीजिए कि सर 3 रिवीजन क्या 3 महीने में हो सकते हैं? बिल्कुल सर हो सकती है। 3 रिवीजन किस हिसाब से? सर फर्स्ट रिवीजन आपको करनी है इन दिस मंथ ओनली, फेब के मंथ में। देखिए अगर आपका कोई नवंबर का स्टूडेंट, ये नवंबर 20 का या आगे किसी भी अटेम्प्ट का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखेगा तो आप अपने प्लान को कस्टमाइज कर लीजिएगा। 3 महीने मतलब एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो फर्स्ट रिवीजन, जो हमारी फर्स्ट रिवीजन होनी चाहिए, दैट इज इन द मंथ ऑफ फेब। मई 20 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो फेब के मंथ में आपकी पहली रिवीजन रहेगी। सेकंड रिवीजन रहेगी आपके सर मार्च के महीने में। और जो आपकी थर्ड रिवीजन रहेगी, थर्ड रिवीजन विल बी 5 डेज बिफोर एग्जाम। सर इस पेपर में खासियत क्या है? इस पेपर में खासियत यह है कि यह सबसे पहला पेपर होता है, और जो सर सबसे पहला पेपर होता है उसमें हम इनिशियली ज्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं। देखिए पहला पेपर होगा तो आप स्टार्टिंग के 3-4 दिन उस पेपर को पढ़ के चल रहे होंगे, तो मैं कहता हूं सर 3-4 दिन में नहीं, आपको पूरे 5 दिन इस पेपर को पढ़ना है। लेकिन अप्रैल के मंथ में आपको और किसी भी टाइम पे अकाउंट्स नहीं पढ़ना, सिर्फ एग्जाम से 5 दिन पहले ही पढ़ के चलना है, क्योंकि उससे पहले आप फेब और मार्च में इसकी रिविजन कर चुके होंगे 2 बार। ठीक है जी, तो 5 डेज बिफोर एग्जाम आपको अकाउंट्स को ही देने पड़ेंगे। अब जो आपका फेब का मंथ रहेगा, इसमें आपको क्या करना है सर? इसमें आपको कंसेप्ट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। कंसेप्ट्स तो आपको सर हर रिवीजन में करने हैं, तीनों रिवीजन में आपको कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। कंसेप्ट्स 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 सर देखिए, ये मेरा ये पर्सनली मानना है, प्रैक्टिकल पेपर में अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है,
अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है और आपने क्वेश्चन कम भी कर रखे हैं, प्रैक्टिस आपने क्वेश्चंस की कम कर रखे हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग है, तो सर आप इजीली पेपर में स्कोर कर जाएंगे और इजीली पेपर को निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके सर कंसेप्ट वीक है, भले ही आप जितने मर्जी क्वेश्चन करते चले जाइए, सर एग्जाम में जरा सी कोई टेढ़ी एडजस्टमेंट आई, टेढ़ा क्वेश्चन आया, आप फंस जाएंगे। तो हमें फंसना नहीं है, हमें चाहिए सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने एक रिविजन प्लेलिस्ट बना रखी है, तो ऊपर आई बटन में जाकर आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी तक जितनी भी वीडियोस है, तो जाइए उन वीडियोस को देखिए और अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है सर। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी मस्ट। तो फर्स्ट रिविजन में आपको कंसेप्ट के साथ साथ ऑल क्वेश्चंस, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको करके चलने हैं। बात आती है सर क्वेश्चंस कहां से करें, अभी वैसे मैं उस पॉइंट पे आऊंगा कि क्वेश्चंस कहां से करें। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, वो आपके स्टडी मटेरियल के भी हो सकते हैं, वो आपकी बुक जिसमें से आपने बुक में से पढ़ाई करी है उसके भी हो सकते हैं, वो पास्ट आरटीपीस के भी हो सकते हैं, वो मॉक टेस्ट पेपर के भी हो सकते हैं, वो सजेस्टेड आंसर्स के भी हो सकते हैं। तो आपको पूरी कवरेज करके चलनी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ इन योर फर्स्ट रिविजन ओनली। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत कर दीजिएगा कि एक बार हमने पढ़ लिया, कि पहले बच्चे क्या करते हैं कई बार, कि सर पहले स्टडी मटेरियल कर लूंगा, उसके बाद आरटीपी कर लूंगा, उसके बाद मॉक टेस्ट कर लूंगा, फिर पास्ट एग्जाम कर लूंगा। सर वो बात कभी नहीं आता, जो भी करिए एक साथ करते चलिए। जैसे आपने चैप्टर उठाया तो उसकी आप सारी कवरेज 100% एक ही बारी में करके चलिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जब फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हो, तो फर्स्ट रिवीजन आपने कॉन्सेप्ट्स देखे और ऑल क्वेश्चन देखे, उन क्वेश्चंस में से आपको जो जो क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उन उन क्वेश्चन को कर लीजिए मार्क, या कहीं पर लिख कर रख लीजिए या मार्क करके रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक चैप्टर उठाया, लेट से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसमें आपको जहां से भी आपने पढ़ा और स्टडी मैट वगैरह सारे मिलाकर आपको मिलते हैं सर 20 क्वेश्चंस। तो आपने फर्स्ट रिवीजन में कॉन्सेप्ट्स पढ़ा और उन 20 के 20 क्वेश्चंस को जरूर 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 करके देखना है, जरूर 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 करके देखना है। सर क्या एक एक क्वेश्चन हाथ से करना है? बिल्कुल सर, फर्स्ट रिवीजन में आपको एक एक क्वेश्चन हाथ से करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप प्रॉपरली फॉर्मेट के साथ करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करके देखेंगे, लेकिन एक बार आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 20 क्वेश्चंस पे जब आप एक रिवीजन कर चुके, तो 20 में से आप कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है। चाहे आपको जरा सी भी दिक्कत आती हो किसी क्वेश्चन में, तो उसको इमीडिएटली मार्क कर लीजिएगा। अब बात आती है कि सर अगर मेरे को बहुत ही बेसिक दिक्कत आ रही है, क्या उसको भी मार्क कर लो? बिल्कुल सर, उसको ही मार्क करना है। किसी फ्रेंड से मत पूछिएगा, किसी से मत पूछिएगा, किसी टीचर से मत पूछिएगा सर कौन सा कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। दिस इज प्रोफेशनल एग्जाम, ये कोई बच्चों का एग्जाम नहीं है, कि 11th 12th का एग्जाम नहीं है, बीकॉम का एग्जाम नहीं है, जो आप कह देंगे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। सर दिस इज द प्रोफेशनल एग्जाम, ये सीए सीएसएम ये तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सर। तो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि यहीं से ही आएगी, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 20 में से सर इंडिविजुअली सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग निकलेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अलग निकले, तो मैं मान के चलता हूं आपने 20 में से 15 तो नहीं ज्यादा हो गए, 12 से 13 क्वेश्चंस आपको लगता है कि सर 12 क्वेश्चंस में मेरे को दिक्कत आ गई। किसी के लिए 10 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 8 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। तो आपने यहां पर निकाले कि सर 8 10 12 13 मेरे को क्वेश्चन है। सेकंड रिवीजन में आपको कॉन्सेप्ट्स फिर दोबारा पढ़ने हैं सारे के सारे, प्लस वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने निकाले थे उनको एक बार जरूर करके देखना। सब पूरे सॉल्व करें, सब पूरे नहीं सॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आपको एक बार उनको जरूर देखना है, उनके सॉल्यूशन को। एक आध दो क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, लेकिन आपके सॉल्यूशंस जरूर आपको अपनी नजरों के आगे से निकालने हैं। फिर इन क्वेश्चंस में से आपको अगेन एक शॉर्ट लिस्ट करने हैं क्वेश्चंस, जिसमें आपके रहेंगे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस, कि फिर दोबारा मेरे को किन किन क्वेश्चंस में दिक्कत आई। और वो जो मैं कह रहा हूं 5 days बिफोर एग्जाम, इन 5 दिन पहले आपको क्या करके चलना है, आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ इन 4 से 5 क्वेश्चन को जो आपने एंड में मार्क करे, वो जरूर आपकी आंखों से निकल जाने चाहिए। क्योंकि सर क्या होता है कि एग्जाम टाइम से पहले टाइम इतना नहीं होता कि मैं सारे क्वेश्चंस कर दूं, तो सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही पड़ने आपको, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो हमें देखने ही पड़ेंगे। वो क्वेश्चन कहां से निकलेंगे? वो क्वेश्चन सर यहीं से ही निकल के आपके सामने आएंगे, ठीक है जी। सर सेकंड रिवीजन में एक और चीज ध्यान रखिएगा, सेकंड रिवीजन में आपको 2 mock tests जरूर करके चलने हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस 2 mock tests ऑल्सो, आपको पूरे पूरे एग्जाम लाइक सिचुएशन में 2 mock tests जरूर करके चलने हैं। सर इससे क्या होता है, इससे स्पीड बनती है, इससे आपको तरीका पता लगता है कि पेपर किस हिसाब से आता है, पेपर किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है, वो आपको स्पीड बनेगी, आपको तरीका पता लगेगा।
तो ये जरूर आपकी होनी चाहिए, दो मॉक टेस्ट पेपर आपको शुरू करके चलने हैं। और ये सर ये चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगी 5 days बिफोर एग्जाम, कि सर एग्जाम से पहले जो जैसे कहते हैं ना मैच खेलने जा रहे हैं, तो मैच खेलने से पहले वर्ल्ड कप से पहले क्या होता है सर, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस मैच रहेगा। यहां पर जितना आपने अच्छे से तैयार कर दिया, अच्छे से आपने एफर्ट लगा दिए, तो सर यही रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यही चीज आपको एग्जाम में फेस करने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको 3 revision कम से कम करके चलनी है अपने प्रैक्टिकल पेपर्स की, या किसी भी प्रैक्टिकल पेपर में ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, ओके जी। अब आगे डिस्कस करते हैं सर, अब हमें कितने टाइम पढ़ना चाहिए। देखिए सर, टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे आपको कम से कम अब 12 to 15 hours की स्टडी तो सर देनी ही पड़ेगी, 12 से 15 घंटे की स्टडी देनी ही पड़ेगी, दिस इज रिक्वायर्ड। अब 12 से 15 घंटे सर आप कैसे करेंगे, आपको इसके स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे, इसके स्लॉट्स आपको बनाने पड़ेंगे। स्लॉट कैसे बन सकते हैं, देखिए सर इसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं दे सकता, क्योंकि सबका पढ़ने का टाइम अलग होता है। कुछ बच्चे लेट नाइट प्रेफर करते हैं पढ़ना, कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं पढ़ना। मैं पर्सनली बताऊं तो सर मैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ता था, लेकिन कुछ बच्चे लेट नाइट भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप लेट नाइट पढ़ते हो चाहे आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो, तो वो जो लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट होता है सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है। तो उस प्रोडक्टिव स्लॉट को आपको ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम का रखना है। जैसे कि अगर आप रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो सर रात को 11 PM पे शुरू कीजिए पढ़ाई करना, और सुबह के 3 से 4 बजे तक पढ़िए। इतना लंबा स्लॉट तो सर कम से कम आपको रखना पड़ेगा, और रात के टाइम पे सर ये हो भी जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने यहां पर प्रैक्टिकल पेपर कोई उठा रखा हो, कोई प्रैक्टिकल पेपर उठा रखा हो। सर थ्योरी मत उठाना इस टाइम पे, ना अर्ली मॉर्निंग पे ना लेट नाइट पे, क्योंकि थ्योरी उठाओगे तो नींद आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल पेपर आपको करके चलना है, अकाउंट्स ले लो या कॉस्ट ले लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हो, तो सर सुबह 4 बजे से लेकर 9 से 10 बजे तक का आप शेड्यूल रख सकते हो, एक स्लॉट रख सकते हो। तो सर जो लेट नाइट का स्लॉट हो या अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट हो, वो आपका ज्यादा टाइम का होना चाहिए, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल पाए। उसके बाद सर आप बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं, अपना खाइए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ध्यान रखना सर, 2 PM to 5 PM सर इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको सोना नहीं है, 2 से 5 के बीच में आपको सोना नहीं है। या तो 2 से पहले नींद पूरी कर लीजिए, भाई होता है ना कि भाई सुबह से पढ़ रहे हैं या रात को लेट तक पढ़े तो नींद आएगी, तो 2 से पहले अपनी नींद पूरी कर लीजिए, या फिर 5 बजे के बाद सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2 से 5 में नहीं सोना, क्योंकि सर 2 से 5 आपका क्या है, ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पेपर भी इसी टाइम पे लेता है। तो इस टाइम को आपको अपने इस टाइम को आपको कोशिश करना है कि मैं इस टाइम में ज्यादा सोऊं ना, ज्यादा मैं लेजी ना पढ़ूं। तो इस टाइम में आपको काम करते रहना है, पढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, चाहे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए। या अच्छा, मॉक टेस्ट की जो मैंने बात करी थी अभी पहले आपसे, तो सर मॉक टेस्ट पेपर आपको इसी टाइम पे करके चल रहा है, 2 से 5 के टाइम, इस टाइम पे करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है जी। तो पॉइंट क्या है सर, इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं सोना, ओके जी। उसके बाद बात करते हैं सर कवरेज, हमें क्या क्या करके चलना है। सर देखिए कवरेज की अगर मैं बात करूं, तो सर जैसे कि मैंने बताया कि कवरेज में आपको सारे कंसेप्ट तो करने ही करने हैं, कंसेप्ट बिल्कुल नहीं छोड़ने। उसके साथ साथ आपको ऑल क्वेश्चंस, जो मैं बात कर रहा था, ऑल क्वेश्चन में आपका क्या आ सकता है सर, आपने जो भी बुक रेफर करी है वो बुक आप ले सकते हैं, लेनी लेनी है। प्लस सर ये चीज आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ICA का स्टडी मटेरियल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। भले ही आपकी बुक में स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर्ड हो या ना कवर्ड हो, स्टडी मैट जरूर साथ में रख लीजिएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कवर ना हो, वैसे जनरली मैं जो स्टूडेंट को बुक देता हूं, ये मेरी बुक रहती है, मैं आपको बुक दिखाता हूं, एक सेकंड, हाँ जी, ये मैं आपको बुक देता हूं अपने स्टूडेंट्स को। तो सर इस किताब में मैं सारा का सारा स्टडी मटेरियल कवर करके चलता हूं, इवन RTPs वगैरह को भी कवर करके चलता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपने जहां से भी पढ़ाओ, स्टडी मटेरियल जरूर करना है आपको ICA का। सर पिछले 4 attempt के RTPs जरूर करने हैं, अपने अटेम्प्ट को इंक्लूड करके पिछले 3 attempt के RTPs जरूर करने हैं। जैसे आपका अटेम्प्ट है मे 20, तो RTP मे 20 का, नवंबर 19 का, मे 19 का, और उससे पहले नवंबर 18 का, ये 4 RTPs के क्वेश्चंस आपको जरूर 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 करके चलने हैं। और सर पास्ट 2-3 exam के भी क्वेश्चन आपको करके चलने हैं, पास्ट 2-3 exam के भी क्वेश्चन आपको करके चलने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी। और सर बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड डिवीजन में ये जो हमारी सेकंड डिवीजन थी, अगर आपको याद हो तो सर ये जो सेकंड डिवीजन है, इसमें आपको जो एग्जाम से पहले आपका मॉक टेस्ट पेपर आ जाएगा, अगले महीने ही आ जाएगा, तो ये मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर करके चलने हैं, ठीक है।
तो सर ये कवरेज आपकी जरूर होनी चाहिए, भले ही आप में अपनी बुक के जो आपके कोचिंग वगैरह की बुक की उसमें से क्वेश्चंस कम करें हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इंस्टीट्यूट की किसी भी स्टडी को आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सर उसमें से क्वेश्चन कभी कभी तो एज इट इज आ जाता है, नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे उन्हीं क्वेश्चन उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको बिल्कुल भी इग्नोर अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक आपको चेकलिस्ट जरूर बनानी है। चेकलिस्ट क्या सर? देखिए सर ये मैंने खुद ही एक तरीके से कस्टमाइज करेगी चीज। चेकलिस्ट में क्या होता है कि सर आपको एक टेबल सी बनानी है। देखिए पढ़ाई भी ना एक ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, जितना ऑर्गेनाइज तरीके से, जितना तरीके से ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से आप पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। देखिए चेकलिस्ट में क्या रखेंगे, यहां पर आप टॉपिक नेम रखेंगे और यहां पर आप अपनी कवरेज देखेंगे कि मैंने क्या क्या कवर करना है। जैसे आपकी बुक है, मैंने वो बुक कवर करनी है, मैंने ICAI का स्टडी मटेरियल कवर करना है, मैंने RTPs कवर करने हैं, RTPs जो जो भी मंथ के हैं भाई, RTPs 1, 2, 3, 4 ये सारे मैंने RTPs करके चलने हैं, मैंने पिछले दो तीन एग्जाम क्वेश्चन करके चलने हैं, जैसे नवंबर 19 कर लिया मैंने, मई 19 कर लिया और अपना नवंबर 18 करके चल लिया। मतलब ये आपको एक चेकलिस्ट बनानी है और यहां पर आप लिखेंगे टॉपिक नेम। जैसे कि आपने एक टॉपिक उठाया लेट अस से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर आप देखेंगे कि क्या मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, टिक लगाते चलिए कि मेरी बुक के क्वेश्चंस हो गए, मैंने ICAI स्टडी मेट के क्वेश्चंस देख लिए, मैंने RTP इसका देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, 5 एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखिए सर ये जो चेकलिस्ट होती है इसमें जितने ज्यादा टिक होंगे, जितने ज्यादा आपके टिक होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिविटी फील होगी कि हाँ मैंने ये सब चीजें कवर कर लिया, आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मैं कर लूंगा। ठीक है सर, तो ये चेकलिस्ट भी सर आप किसी भी क्या हर सब्जेक्ट में जरूर अप्लाई करना। अब ये चेकलिस्ट तो आप थ्योरी पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी पेपर में भी है सर आपको केस स्टडीज करनी होती है, क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जैसे आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ के देख लीजिए कि आपने ICAI के स्टडी मटेरियल RTPs वगैरह की केस स्टडीज कर लिया नहीं कर ली, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस कर लिए नहीं कर लिए, तो ये चेकलिस्ट तो आप हर पेपर में अप्लाई कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, हमारी ये वाली बात होगी। उसके बाद अगला जो हमारी बात रहती है सर, ये जो पेपर होता है थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर होते हैं ये लेंदी भी होते हैं। अब मैं जैसे अकाउंट्स वगैरह की बात करूं तो सर दिक्कत सबसे ज्यादा बच्चों को आती है कि पेपर छूट जाता है। अब वो पेपर ना छूटे उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें चाहिए सर रिटन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप चीजों को लिख लिख के देखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस, मतलब जैसे आप फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हैं तो सर क्वेश्चंस को फॉर्मेट के साथ जरूर कीजिए, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको विद फॉर्मेट्स करने हैं। जैसे आप जर्नल कर रहे हैं तो सर जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, लेजर्स का प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बना रहे तो सर शेड्यूल 3 का पूरा फॉर्मेट बना के देखिए। जितना ज्यादा फॉर्मेट्स पे ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सर दिक्कत क्या आती है कि हम अभी तो रफली तरीके से पढ़ाई कर जाते हैं और हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब एग्जाम में फॉर्मेट बनाने को आते हैं तो आधे से ज्यादा टाइम तो फॉर्मेट टाइम खराब तो किसमें हो जाता है सर, फॉर्मेट बनाने में ही हो जाता है। तो सर लेंथी पेपर जरूर होते हैं, तो वो लेंथी टेस्ट को आप खत्म कर सकते हैं अपनी रिटन प्रैक्टिसेस। जितना ज्यादा आपने लिख के देखा उतना ज्यादा आपने वो डर जो होता है उसका लेंथी पेपर का, पेपर छूटने का, वो चीज आपने खत्म कर दी। ठीक है सर, तो रिटन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर आपको क्या करना है, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि देखिए आपको 180 मिनट्स में 100 मार्क्स का पेपर करना है, या आप हर पेपर में लगा सकते हैं, 180 मिनट में 100 मार्क्स का पेपर करना है। तो मुझे बताइए फॉर वन मार्क, हर एक मार्क के लिए आपके पास कितना टाइम है, 1.8 मिनट्स। तो अगर आपके पास एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, 18 मिनट। मैं 18 नहीं कहता, मैं कहता हूं सर इसे 15 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, इसे 15 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जब आप पढ़ रहे होंगे तो इतना तो आइडिया हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है, 10 का आ सकता है, 6 का आ सकता है, 16 का आ सकता है। तो सर उस हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट बनाइए और जब भी क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सर टाइम जरूर ध्यान दीजिए कि मुझे कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में। अगर ज्यादा लग रहा है तो सर अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी आपको, जितना ज्यादा स्पीड बना लेंगे, जितना ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी सर पेपर नहीं छूटेगा, पेपर नहीं छूटेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर सर AS के आंसर्स भी आपको लिखकर देखने हैं, क्या सारे सर आंसर लिख के देखने हैं, सारे नहीं लिख के देखने हैं, आंसर आपको पढ़ने हैं लेकिन दो तीन क्वेश्चन आपको प्रॉपरली लिखकर देखने हैं, उसमें से आप निकाल लीजिए भाई
कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लगे और उनको लिख कर देखिए, ड्राफ्ट करिए आंसर्स को। ड्राफ्ट करेंगे तो सर कुछ मजा आएगा। अब बात आएगी सर एएस के आंसर कैसे लिखने हैं, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वो जरूर जाके देखिए कि हाउ टू राइट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आंसर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं कैसे आपको लिखना है। लेकिन पॉइंट क्या है सर, लिखना जरूर है, एएस के आंसर्स को छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारी कुछ जनरल बातें थी कि हम अपने प्रैक्टिकल पेपर्स में अकाउंट्स वगैरह में किस हिसाब से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि सर ये जानना बहुत जरूरी है कि तैयारी कैसे शुरू करी जाए। तो देखिए सर, तैयारी आपको जो शुरू करनी है उसके लिए मैंने आपके कोर्स को कुछ पार्ट्स में ब्रेक किया है, बेसिकली चार पार्ट्स में ब्रेक करा है। अब वो चार पार्ट्स कैसे हैं सर, सबसे पहला पार्ट और जो सबसे पहले आपको करना है, दैट इज दीज थ्री टॉपिक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम एंड हायर परचेज। ये तीनों टॉपिक सर बहुत ही आसान है, बेहद आसान टॉपिक है, और इंस्टीट्यूट की वेटेज देखिए सर 20 से 25 नंबर। और अगर मैं ये वाला फोर्थ पार्ट उठाऊं, इसमें आते हैं सर बड़े बड़े टॉपिक, डिपार्टमेंटल ब्रांच एंड सिंगल एंट्री, इसकी भी वेटेज 20 से 25 नंबर। तो क्यों ना मैं पहले ये वाला कर लूं, और सर हो भी जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, और 20 से 25 नंबर आपके साथ साथ अपने स्कोर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ये तीन चैप्टर करने हैं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड हायर परचेज, 20 से 25 नंबर। उसके बाद आपको जो सेकंड स्लॉट में देना है या सेकंड पार्ट में करना है, दैट इज आपका चैप्टर रहेगा फ्रेमवर्क, एक थ्योरी चैप्टर है सर फ्रेमवर्क, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, डू नॉट इग्नोर दिस चैप्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सर। बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ जाते हैं, छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को, इसमें सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और गिनती के पांच ही तो क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं सर, एक गोइंग कंसर्न का टॉपिक है उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, एक आता है सर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, तो सर ये क्वेश्चन छोड़ने के बनते ही नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट ने आपके 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, इस 8 में से अगर मैं बात करूं एएस 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये इसी के साथ ही कवर हो जाएगा। तो देखिए अब आपके कितने एएस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सर देखिए ये तीन टॉपिक्स प्लस 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक छोटा सा फ्रेमवर्क का टॉपिक, इसमें आपका सर 40 से 50 नंबर की तैयारी होगी, मतलब आधा कोर्स तो आपका इन्हीं में आसान आसान टॉपिक्स में निकल गया। अब आप लग रही है बड़े बड़े टॉपिक्स में। उसके बाद जो आपको थर्ड स्लॉट उठाना है, दैट इज योर कंपनी अकाउंट, और सर बेहद आसान टॉपिक्स, फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड रूल्स वगैरह, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से टॉपिक, बोनस एंड राइट इश्यू का टॉपिक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सर 30 से 35 नंबर के टॉपिक्स हैं, इनको जरूर आप करेंगे लेकिन थर्ड स्लॉट में। और सबसे लास्ट में आपको सर ये तीन टॉपिक करके चलने हैं, दैट इज योर डिपार्टमेंटल ब्रांच एंड सिंगल एंट्री, क्योंकि ये सर लेंथी टॉपिक्स हैं, टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, और इन तीन में भी से भी सबसे पहले आपको सिंगल एंट्री करके चलना है, उसके बाद एंड में उठा लीजिएगा डिपार्टमेंटल एंड ब्रांच, क्योंकि सर लेंथी टॉपिक्स है, वेटेज ज्यादा नहीं है, 20 से 25 नंबर की है। और जब आपको चॉइस रखनी होगी क्वेश्चन में, तो चॉइस भी आपको इन तीन क्वेश्चंस में ही रखनी पड़ेगी सर। अगर आपने इन तीन इन टॉपिक्स में से चॉइस रखी, यानी कि जो क्वेश्चन चॉइस वाले इनमें से आपने छोड़ दिया, तो सर बेवकूफी है। जो आपको चॉइस रखनी है वो इन्हीं तीन टॉपिक्स में से रखनी पड़ेगी सर। चॉइस का मतलब क्या हुआ, देखिए पेपर जो आपका आता है वो किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका कंपल्सरी क्वेश्चन, और इस कंपल्सरी क्वेश्चन में जो 20 नंबर का आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है, ये आपका रहता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस, इसमें एएस आते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इन पांच में से आपको एनी फोर, कोई भी चार क्वेश्चंस करने होते हैं, और हर क्वेश्चन आपका रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। 20 मार्क्स ऐसा कोई स्टेट अवे 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, इसमें पार्ट्स आते हैं, 10-10 नंबर के दो क्वेश्चन आ गए, 12 और 8 के आ गए, 16 और 4 के आ गए, 12 4 4 के आ गए, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चंस बना रहा है, तो उस पर मैं आपको कुछ नहीं कमेंट कर सकता। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे सर। क्वेश्चन 6 आपको जरूर करना है, मस्ट डू, क्योंकि इसमें आपकी इंटरनल चॉइस रहती है। इसमें क्या करेगा इंस्टीट्यूट, आपको अपना 6 पार्ट्स देगा या 5 पार्ट्स देगा, उसमें से बोलेगा कोई 4 या 5 करो, इंटरनल चॉइसेस में मिलगी। और सर इसमें छोटे छोटे आपके टॉपिक्स आते हैं, जो ये वाले टॉपिक्स होते हैं ना छोटे छोटे, कि अपना प्री एंड पोस्ट हो गया, बोनस इश्यू हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस हो गया, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, थ्योरी हो गया, ये इसी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। चॉइस रहेगी सर आपकी इन चार क्वेश्चंस में, इन चार में से भी मैंने अगेन आपको बताया सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम,
हायर परचेज बिल्कुल नहीं छोड़ना, एएस तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो कंपलसरी में कवर हो ही गया, और उसके बाद ये जो टॉपिक्स आएंगे आपके कंपनी अकाउंट्स के, सर ये भी छोड़ने बनते नहीं है। जो चॉइस आपको रखनी चाहिए वो इन्हीं टॉपिक्स में से रखनी चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि छोड़ दीजिए, सर बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, अभी आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता इंस्टीट्यूट का कब पैटर्न चेंज कर दे। और मई 20 में वैसे ही इंस्टीट्यूट ने कोर्स को डिलीट किया है, कम किया है, तो डिलीट होने के बाद ये पहला आपका पैटर्न बनेगा, पहला ये पेपर रहेगा, तो मैं इसमें कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता कि कैसा पेपर आने वाला है, किस तरीके से पूछने वाला है। हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि हर चैप्टर में से अब क्वेश्चन आएगा, कोर्स कम होने की वजह से हर चैप्टर में से इंस्टीट्यूट विल आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, जरूर 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 पूछेगा, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो यू कैन स्कोर इजीली 90 प्लस इन योर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन पेपर वन अकाउंट्स, ठीक है जी। बताइए सर ये चीज क्लियर हुई। अच्छा सर पढ़ाई कैसे करनी है, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रिविजन वगैरह, तो सर फर्स्ट रिविजन मैंने आपको जो बोला इसमें सर आप फर्स्ट रिविजन में आप 10 दिन दीजिए अकाउंट्स के लिए, 10 डेज। 10 डेज में आपको क्या करना है सर, अगर आप 12 घंटे पढ़ के चल रहे हैं, मैं मान के चलता हूं 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपको मेजोरिटी टाइम यानी कि 10 आवर्स आपको अकाउंट्स को देने हैं, और सर 2 आवर्स के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने रख लिया लॉ या कोई भी आप रख सकते हैं, जस्ट टू रिफ्रेश योर सेल्फ। जैसे क्या होता है कि बार 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 पढ़ते रहेंगे एक ही चीज को तो बोर हो जाएंगे, लेकिन आपको मेजोरिटी टाइम इसी पेपर को देना है, ठीक है। तो पहले 10 दिन आप अकाउंट्स को दीजिए, आप 8 दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, ठीक है जी। सेकेंड रिविजन में आपको क्या करना है सर, सेकेंड रिविजन में आपको 7 डेज 7 दिन पूरे के पूरे अकाउंट्स को देके चलने हैं, मेजोरिटी टाइम और एक एडिशनल सब्जेक्ट रख के चल सकते हैं, और ये जो 5 डेज है इसमें तो सर ओनली अकाउंट्स, इसमें तो ओनली अकाउंट्स, ठीक है सर। क्योंकि मान के चलता हूं कि सर और पेपर भी होते हैं, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो बाकी 3 पेपर है, इवन आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, तो आपके पास 7 पेपर और हैं, तो सब चीजों को टाइम देना पड़ेगा, तो वो टाइम इसी हिसाब से दिया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट पढ़े तो सर सिंगल सब्जेक्ट को उठा के चले और साथ में एक एडिशनल सब्जेक्ट डाल दीजिए, जो सिंगल सब्जेक्ट आपने उठाया उसको आप मेजोरिटी टाइम देकर चलेंगे, ठीक है जी। बताइए जी, तो एक बार फटाफट मैं सम अप कर देता हूं वीडियो को, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, तो फटाफट मैं वीडियो को सम अप करूंगा। सर अकाउंट्स को आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानिए, ये आपका बहुत मदद करेगा ग्रुप को क्लियर करने में, इवन रैंक लाने में, तो आप 90 प्लस इसमें ला सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर कंसिस्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। 3 रिविजन आपको करके चलनी है, पहली रिविजन इसी महीने में चलेगी फेब के महीने में, दूसरी रिविजन आपकी मार्च में चलेगी, और तीसरी रिविजन 5 डेज बिफोर एग्जाम। पहली रिविजन आपको कब करके चलनी है सर, 10 दिन निकाल लीजिए अकाउंट्स के लिए, 8 दिन निकाल लीजिए अकाउंट्स के, मेजोरिटी टाइम अकाउंट्स में दे दीजिए, और दूसरा स्लॉट में आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। दूसरी रिविजन मार्च में आपकी चलेगी, उसमें आप 7 दिन अकाउंट्स को निकाल लीजिए, 7 दिन में आपको क्या करके चलना है सर, मेजोरिटी टाइम अकाउंट्स को, दूसरे सब्जेक्ट आपको एडिशनल रख के चलना है, और थर्ड रिविजन में आपको पहले एग्जाम से जस्ट एग्जाम से 5 दिन पहले आपको अकाउंट्स का पेपर पढ़ के चलना है। पढ़ना कैसे है सर, तीनों रिविजन में आपके कंसेप्ट आपको जरूर करने हैं, पहली रिविजन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं, और आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिक्कत आती है, जरा से भी दिक्कत आती है उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, सेकंड रिविजन में ले जाइए। सेकंड रिविजन में अगेन आप उन क्वेश्चन को करके देखिए, देखिए सॉल्व करके, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, और आप अगेन आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सेकंड रिविजन में आपको मॉक टेस्ट पेपर भी 2 सॉल्व करके चलने हैं पूरे के पूरे एग्जामलेस सिचुएशन में, वही 2 से 5 वाले टाइम पे, ठीक है जी। और थर्ड रिविजन में जो आपके 5 दिन पहले एग्जाम से होगी कंसेप्ट, एंड जो आपने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जिसमें आपको दिक्कत आती है, वो जस्ट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये तो मैंने डिस्कस कर लिया था सर, 12 से 15 घंटे की स्टडी चाहिए, शेड्यूल आप कुछ भी बना लीजिए, लेट नाइट पढ़ते हो तो लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो तो अर्ली मॉर्निंग, 2 से 5 के टाइम पे नहीं सोना, लेट नाइट पढ़ रहे हो तो सर लेट नाइट का एक लंबा शेड्यूल होना चाहिए प्रोडक्टिविटी हाई होने के लिए, और एक अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग का पहला शेड्यूल आपका लंबा होना चाहिए, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, हाई रहे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही उसमें करके चलिएगा। दूसरी चीज आपको कवरेज क्या कर चलनी है सर, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो वो बुक तो करनी करनी है आपको, आईसीआई की स्टडीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आईसीआई का स्टडी मटेरियल 4 RTPs 5 2-3 एग्जाम्स के क्वेश्चन जरूर करके चलना है। ये चेकलिस्ट आपको मैंने बता दिया कि चेकलिस्ट आपको बनाएंगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी, और ये हमारा थी टॉपिक वाइज डिस्कशन, ठीक है जी। बताइए, सो लेट अस वाइंड अप दिस वीडियो, सो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आएगी, सर इसको फॉलो करेंगे तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 90 प्लस इन योर अकाउंट। अब
बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे एडवांस अकाउंटिंग है उसमें 90 प्लस कैसे ला सकते हैं, ऑडिट की मैंने एक वीडियो बना रखी है एग्जम्पशन की, उसको भी मैं आप अपनी आई बटन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि ऑडिट में एग्जम्पशन कैसे लाई जाए। एडवांस अकाउंटिंग की मैं आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा कि एडवांस अकाउंटिंग में हम कैसे अपना 90 प्लस का स्कोर करके चल सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। कोई दिक्कत परेशानी है तो सर नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर, और मैं नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दूंगा, तो सर आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।